नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया 24। इस वक्त की खबर गोंडा से है, जहां सोमवार देर रात नगर कोतवाली क्षेत्र के सर्कुलर रोड एक अनियंत्रित कंटेनर दुकान व मकान में घुस जाने से दुकानदार समेत 6 लोग घायल हो गए हैं। चीख पुकार के बाद पहुंचे स्थानीय लोगों ने मलबा हटाकर घायलों को बाहर निकाला। गंभीर हालत में घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज का क्या कहना है, आइए जानते हैं। प्रकाश जी का घर है, ये सड़क के किनारे बाई तरफ एक ट्रक जो अनियंत्रित लापरवाही से चलाता हुआ बड़ी गति से आया, तो उनके ढाबी घर के सामने जो है उन्होंने जो है अंडे की और कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान रखी थी उसमें टक्कर मारा, और पीछे जो उनका घर था उसमें भी टक्कर मारा, जिससे ऊपर का दीवारें गिरी और ऊपर का स्लैब ढह गया है। उसके नीचे जो है ओम प्रकाश जी और उनकी पत्नी और दो बच्चे छोटे और एक कस्टमर आया वो था, ये 5 लोग थे। ओम प्रकाश को तो छोटे नहीं है, बाकी 4 लोगों को छोटे हैं। स्थानीय पुलिस को सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर आई है, उच्च अधिकारियों के द्वारा जो है तुरंत घटनास्थल का रेस्क्यू का काम किया गया है। सभी 4 लोग घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है, और जो है उसमें थोड़ा परवेज की हालत बता रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा छोटे हैं, बाकी सामान्य छोटे हैं। और इसके अलावा जो ट्रक था उसको मौके से हटाया गया है। अभी जो आगे का रेस्क्यू में जो मलबा हटा करके उसमें देखा जा रहा है कि और कोई बात तो नहीं है। फिलहाल जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों का और जो मौके के लोग हैं उनका बताना है कि अभी मलबे के नीचे कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। फिर भी हम लोग उसकी तहकीकात कर रहे हैं कि कहीं ऐसी बात तो नहीं कोई कस्टमर और आया हो। फिलहाल पूरी तरह से देख लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो लोग 4 लोग थे वो जिला अस्पताल में इलाज हो रहा है, यहाँ से ट्रक को हटवा दिया गया, मलबा हटवा रहे हैं। आगे जैसा भी होगा आप लोगों का खबर कराएंगे। ट्रक ड्राइवर या क्लीनर अरेस्ट हुआ? हाँ, जो ड्राइवर और क्लीनर था उसको पुलिस ने कब्जे में लिया है, उसको थाने भेजा गया है और ट्रक को भी मौके से हटा दिया गया। टोटल कितने लोग घायल हैं? अभी जो बताया जा रहा है 4 लोग गए हैं जिला अस्पताल में, और जो उनका जो घर के मुखिया हैं प्रकाश जी वो भी गए हैं, हालांकि उनको कोई खास चोटें नहीं है। उन्होंने ही बच्चों को और अपने सभी लोगों को निकाला, जो बगल बगल के लोग आए तो सब घर को निकाले थे। 4 लोग की बात करें सर, हादसे की वजह साफ हो पाई है? ये जैसा कि दिख रहा है मौके पे, ये बाईं तरफ घर है और ये जो है लापरवाही से तेज गति से ये बड़ा ट्रक है, तो उसका जो ऊपर आगे का जो हॉर्स होता है पीछे का जो पर्सन है दोनों के बीच से लड़ा हुआ है, तो उसको जो है दीवार में सीधे लड़ गया है, जिसकी वजह से दीवार टूटी है और उसके बाद स्लैब ढहा है। फिलहाल हम लोग जो है पूरी तहकीकात कर रहे हैं, जैसा भी होगा वो।